अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राना तबस्सुम, निजामाबाद की बेटी, वो कौम की बेटी जहां पर कल बहुत ही अफसोसनाक हादसा पेश आया। हैदराबाद में मरहूम सैयद बावजीर, जो एक ऐसा नौजवान था जो हमेशा हक के लिए आवाज उठाता था, वो कौम के लिए आवाज उठाता था, वो इतनी आवाज उठाया कि वो जब तक उसकी जान पे बन नहीं आई उसका कत्ल कर दिया गया। मैं हुकूमत से ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, तेलंगाना में, जबकि हमारे पूरे इंडिया में तेलंगाना सीएम नंबर वन है, तब जाकर ये नए नंबर वन सीएम किसकी वजह से बने? वो अवाम की वजह से बने, वो अवाम जो तेलंगाना के लिए रिप्रेजेंट करती। तो ऐसा क्यों कोई कानून नहीं लागू हो रहा जिसकी वजह से अगर कोई मर्डर करता है तो उसको 3 साल तक बेल नहीं मिलने चाहिए, अगर कोई रेप करता है तो उसको 3 साल तक बेल नहीं मिलने चाहिए? जबकि देखिए, कोई भी मर्डर कर रहा 3 महीने में छूट जा रहा। परसों जो प्रबोधन में जो रेप हुआ उसका कल ही पता चला कि वो रेपिस्ट जो है सो बेल पे बाहर आ गया, 3 महीने भी नहीं हुए वो बेल पे बाहर आया। इसकी वजह क्या है? क्यों कानून सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहा? आज ऐसे नौजवान का कत्ल हो गया, उसकी गलती क्या थी? सिर्फ कौम के लिए काम करना, आवाम के लिए काम करना, हक बात करना। तो तेलंगाना में ये बात साबित हो रही कि अगर कोई हक की आवाज उठाएंगे और हक की बात बोलेंगे तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा। ये क्या कानून है? चाहे तो कानून ये चीज को रोक सकती थी, उसकी हिफाजत कर सकती थी। तेलंगाना में कोई शहरी, कोई सिटीजन महफूज नहीं है, ना औरत बच्ची सेफ है, ना लड़कियां सेफ है। आज वो छोटी सी मासूम बच्ची जो भोदन में जिसका रेप हुआ वो 3 महीने के अंदर छुटके आ गया, ये कानून क्यों ऐसा है? उसको फांसी की सजा होनी चाहिए? नहीं, बल्कि ये छुटके आ गया बेल पे। तो जो इंसान ऐसी हरकत करता उसके लिए ये कानून बनाई है कि उन्हें 3 साल तक उसको बेल ही नहीं मिला, चाहे वो मर्डर हो चाहे वो रेप हो। तब जाके तेलंगाना नहीं, हिंदुस्तान का हर शहरी महफूज है। हमारे वोटों की वजह से, हमारे लोगों की वजह से जब हुकूमत बन रही, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, तो फिर हमारा हक का है, राइट टू स्पीच है कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें जब बोलने का हक दिया गया तो हमारे बोलने पे हमारे कत्लेआम क्यों हो रहे? आज शेख बावजीर मरहूम, अल्लाह जिनकी मगफिरत करे, मैं उनके लिए बहुत ही अफसोसनाक, दिल से तहे दिल से मेरी आवाज निकल रही है कि वो एक हक की ऐसी आवाज थी जो आवाम के लिए काम करती थी। आज उसके जिम्मेदार कौन है? अगर वो मरहूम का कत्ल हो गया तो उसके जिम्मेदार हम खुद है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दुश्मन हो गया, क्या हो गया है मेरे कौम के लोगों, मेरे मोमिनों? क्या हम ऐसे है एक दूसरे के खतर कर बैठ रहे हैं? उसकी बेचारे की गलती क्या है? सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए काम करना, हक बात बोलना, सच बात बोलना। आज तेलंगाना में मर्डर हो रहे, रेप हो रहे, इसकी वजह क्या है? मैं हुकूमत से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज ये इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे भाई जो मरहूम बावजीर भाई थे उनको लिए इंसाफ किया जाए। तेलंगाना में जो जो हक की आवाज उठ रही, क्या उनका कत्ल होगा? जो जो लोग कौम के लिए काम कर रहे हैं, आवाम के लिए, क्या उनका कत्ल होगा? मैं साथ में असदुद्दीन साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे आकर इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इंक्वायरी करे और जो ये काम करे उनको सजा दिलाने की कोशिश करे। जजाकअल्लाह खैर। आपकी बेटी राना तबस्सुम।